क्रोध जरा वा बंदे घर वाले कदर करता है पता की सच्चाई बोल दे मेरे मन बड़ा रोस आया मैं अंदर गया नेरे च महाराज की बाणी जी मैं नित्रे भी पाठ कर आए दिन पंजाब दे विच बेअदबी दीआं घटनावां वापरदीआं ने पर हुण जिहड़ी खबर श्री हरगोबिंदपुर साहिब तों सामने आई है उसने मन नूं झंझोड़ के रख दिता है क्योंकि इत्थे पुरानी रंजिश कढ़न दी नीयत दे नाल एक निहंग सिंघ नहीं गुटका साहिब दी बेअदबी कीती है। सत्कार कमेटी ने मौके उत्ते पहुँच के सारे मामले की पोल खोली निहंग सिंह नूं काबू करवाया गया। दरअसल पंजाब दे विच कोई पहला मामला नहीं है जो बेअदबी का सामने आया होवे। किसी ना किसी धर्म की बेअदबी हुंदी है अते लोकां दे मनां नूं ठेस पहुँचती है। हुण श्री हरगोबिंदपुर साहिब तो एक अजिहा मामला सामने आया है जिसने सब दे मनां नूं बेहद ठेस पहुँचाई है। इत्थे एक निहंग सिंह ने किसी व्यक्ति दे नाल रंजिश कढ़न की नीयत दे नाल अपने घर विच पए गुटका साहिब दे अंगां नूं फाड़ दिता। जिक्रयोग है कि सत्कार कमेटी के मैंबर मौके उत्ते पहुंचे और असली दोषी नूं सज़ा दवाई और पीड़ित नूं इंसाफ दवाया। पुलिस ने असली दोषी निहंग सिंह नूं काबू करते हुए केस दर्ज कर अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दिती है। श्री हरगोबिंदपुर साहब तो अज की आवाज़ के लिए डॉक्टर नरेंद्र कुमार अते जगीर मंड की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਹਾ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਚਾ ਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੋਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ
अपने खोखे दे विच दो गुटके साहब रखे हुए सन, सुखमनी साहब ते नेतनेम वाला। इहनू कोई नेतनेम नहीं सी आउंदा, शराब ये पींदा सी, समैक ये पींदा सी, फीम ये खांदा सी, पुक्की ये खांदा सी, भंग ये पींदा सी। इहने की कीता कि किसे नू पसाउण वास्ते गुटके साहिबां दी बेदबी करके फिर रौला पा दिता। जो सुखदीप सिंह जी जिहड़े जथेबंदी के नुमाइंदे सन, ये छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब दे स्थान नू दर्शन करन जा रहे सन, जदों इन्हां ने जाके खोखे विच वेख्या ते गुटका साहिब दोनों ही पाटे पाए हुए सन, बहुत वड्डी बेदबी कीती सी। ते इह किसे नू पसाउण वास्ते इन्हें ये हरकत कीती। जदों असीं प्रशासन को लै के आए हाँ इत्थे एस एच ओ गुरु हरगोबिंदपुर थाने दे विच, ते इस एस एच ओ ने फिर अपने जिहड़े पुछगिछ दे विच इस नू पुछया कि तू ये कीता, ये मन गया कि मैं ये बेदबी कीती आ, उन्हां नू पसाउण वास्ते। ते असीं मांग करदे हां कि ये दोषी जिहड़े बेदबियां कर रहे ने इन्हां नू सज़ा इदां दी मिलनी चाहीदी आ, तुरंत पाव के भावें फांसी हो जाए, नहीं तो इन्हां नू सज़ा इदां दी चाहीदी जिवें उम्र कैद हो जाए। इदां दी सज़ा मिले ते तां ये बेदबियां रुक सकदियां ने, नहीं नवी तो नवीं तों नवीं घटनावां कोई ना कोई वापर रही है। ये कई थावां ते इदां दे मुद्दे सानू मिले ने बेदबियां वाले के जिहड़े किसे नू पसाउण वास्ते गुटका साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग भी पाड़ दित्ते जांदे ने। असीं पंजाब सरकार कोलों ते सेंटर सरकार कोलों मंग करदे हां जथेबंदियां कि इह धारा दी भी सोध की जाए, तो ये दोषियों नू सख्त तो सख्त सजावां दित्तियां जाण जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं दास सुखदीप सिंह पंथ सेवक जथा माझा तो, भाई पलविंदर सिंह माड़ी पनुआ, भाई सतनाम सिंह समसा, असीं सिंह जा रहे सी दमदमा साहब नू, भाई पलविंदर सिंह नू मिल के उन्हां दे नाल इकट्ठे ही। जद ये सानू करमजीत सिंह मिलिया आ जिहड़ा कि अगों पिछों भी इत्थे रक्षा चलाउंदा आ, ते इक नियंग सिंह बाणे दे विच रहिंदा, चोले च रहिंदा, इन्हें सानू ये गल कही कि साढ़े मेरे इत्थे ढारे दे विच जिथे रहिंदा आ मैं, इत्थे किसी ने अंग पाड़ के नितनेम साहब दे गुटके दे ते सुखमनी साहब दे गुटके दे अंग भी विचे सी, पाटे हुए सी ते विचे सी, ओह रखे दिखाए इन्हें सानू। ये जदों असीं इहनूं पुछगिछ कीती भी एक जिन्हां बच्चों के उत्ते इन्हें इल्जाम लाया मुंडियां दे उत्ते, सानू लगा भी ये कुछ दाल विच काला आ। असीं तहकीकात करके उन्हू नाल लिया करमजीत सिंह नू, उन्हां दे घरां च गए, जिहड़े बंदियां दा नां इन्हें नाल लिया होर मुंडियां दा कि वह मुंडे भी उस टाइम दे उत्ते शाम नू हाजिर सी, उन्हां नू बुला के भाई सतनाम सिंह होणा ने भाई बलबीर सिंह होणा नाल संपर्क किया, तो यह भी उस वेले इत्थे पहुँचे। जदों असीं अपने तौर पर तहकीकात की उन्हां परिवारां दे विच भी जाके उन्हां महल्लियां च जाके, तो ये किरदार का ये करैक्टर के उत्ते भी शक आया कि ये भंग भी पींदा आ, ये नशा भी करदा आ, ते इन्हां बच्चियां दे नाल इन्हां मुंडियां दे नाल उहदी कोई पुरानी शरीके दे विचों रंजिश आ, जिहदा करके उन्हां नूं फसाउण खातर इन्हें आप ही अंग पाड़ के ते उत्थे रख दित्ते। किन्नी उम्र पिंडे दी बंदे दी? इस बंदे दी कोई 45 साल दे लागे है। ते किन्नी उम्र दे बच्चे नूं फसाउणा चाहुंदा सी? इह जिहड़े बच्चे आ उह सारे 20-22 साल दे मुंडे आ, जिन्हां दे विचों कोई हलवाई का काम भी करदे आ, वो अपने काम दे उत्ते सी, फिर उन्हां नूं उन्हां दे काम तों भी बुलाया गया वापस। सो सारे सिंघां ने असीं गुरमता करके ते इह गल लै के आंदी कि आपां नूं इहदी कारवाई करनी चाहीदी। पहलां ते अपने तौर ते असीं तफ्तीश कीती ते सारियां शक दियां सूईयां जिहड़ियां इह करमजीत सिंह दे वल ही जांदियां सी। सारे महल्ले चों आले दुआले दे विचों इलाके श्री हरगोबिंदपुर दे शहर दे विचों इक वी बंदा इहदे बारे इहदे हक च गवाही देण वास्ते तैयार नहीं सी। इहदे अपने बयानां तों वी इह थिड़की जांदा सी। फिर असीं तफ्तीश वास्ते पुलिस नूं विच इनवॉल्व करन वास्ते इत्थे सारे सिंघां ने गुरमता कीता कि इहनूं थाने लै के जाया जावे। जद असीं थाने लै के आए हाँ तो पुलिस ने बहुत सख्ती दे नाल इहदे कोल पुछगिछ कीती। ये कोई तुहानूं मेंटल नहीं लगता पे कोई अजिहा गल कोई? नहीं, मेंटल नहीं आ, पर यह नशा जरूर करता है। नशा करन करके ये कारवाई की इन्हें, तो ये मन्निया भी आ पुलिस को। जदों सख्ती नाल पुलिस ने पुछगिछ की आ तो फिर इन्हें बयान दिता इस गल ते, मन्निया आ कि मैं नशे दे लोर विच नशे दे विच होण करके ते इन्हां नूं फसाउण वास्ते ये मैं कार्ज किया, एक गलत घनौना काम किया। नित बेदबियां हो रही कभी गुटका साहब की कभी ग्रंथ साहब की, तुसीं किस तरह सरकार को मंग करते हो? देखो असीं तां एज ए सिख होण दे नाते ये गल कहिंदे आ
कि जब कोई इदा का कम हों तो वे गुरमता करके जो सारे सिंह ज सारे संगत जो फैसला कर ले जिदा साढ़ा सारे सिंह का यह फैसला सी सारिया का कि यदि तफ्तीश वास्ते एक बारी इनू चंगी तरह पुछण वास्ते पुलिस को लैके जाया जाए तो पुलिस ने पूरा साढ़ा प्रशासन ने साथ दिता तो सख्ती ने पुछगिछ की है पर ये तो वो 295 ए धारा लगेगी। सो ये गल है कि जे आप एज ए कानूनी कार्रवाई करनी है वैसे तो सानू गुरु महाराज का हुक्म आ कि गुर की निंदा सुने ना कान पेट करे संग कृपान। सो वैसे तो इन का इलाज यही एक आ कि इन्हों मौत दे घाट उतारिया जाए तो इन्हों सजाए मौत भी होनी चाहिए है। सो पर सिंह का गुरमता हो गया सी सारिया का हालांकि कुछ सिंह की राय से भी एक बार इनू सोधा स्वाद ना लाया जाए पर सारे सिंह का गुरमता यह सी कि नहीं एक बार प्रशासन नू पुछगिछ अपने तौर पर तफ्तीश की आ प्रशासन नू विच इनवॉल्व जरूर किया जाए। प्रशासन को यही मांग करते हो कि मौत की सजा होनी चाहिए। अज सू एक इनफॉरमेशन मिली सी थाना श्री हरगोबिंदपुर जी सा सू इनफॉरमेशन मिली कोकला महला श्री हरगोबिंदपुर ही कि गुटका साहब की बेअदबी हुई आ करम सिंह ने जेड़े आदि कुली आ एक कुली च रहा जिन्हें कि आप ही करके ते आप ही ये कह लग पाया कि मेरे पंज बाणिया गुटका साहब जोड़े है इन्हों की बेअदबी करती किसी ने लेकिन जब अं आइडेंटिफाई सारा किया तो यह खुद ही साढ़े को मनिया कि मैं गुस्से च आके राती ये काम करके तो रात गुटका साहब ने रखता तो असी परचा दर्ज कर रहे हैं 295 तो नाल ही यदि अरेस्ट पा वजह की जी कर रही बस वो जिदा भंग भुंग पीता तो जोर च आके गुस्से च कहता आके तो मैं इन्हों पछाण मारिया किसी ने अच्छा रंजस ही हाँ जी नहीं नहीं